हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका दानी डिज़ाइंस में। सो आज हम बनाएंगे खूबसूरत सा कट वक्कर नेक डिज़ाइन चिकन लेस के साथ। सो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, कोई भी पॉइंट मिस मत कीजिएगा। चलें बिना आपका टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हमने डबल फोल्डिंग में बुकरम ले लिए, ठीक है। देन उसके बाद हम इसके सेंटर में 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे, जिससे जो उनसे हमारी गले की चौड़ाई होगी वो 7 इंच होगी, ठीक है। और लेंथ पे भी हम इसे 7 इंच के रखेंगे, ठीक हो गया। देन उसके बाद इस तरीके से वी शेप में पैटर्न ड्रा करते हुए हम इसको ऐसे गाढ़ा कर लेंगे, ठीक है। आप रफ वर्क में ड्रा कर लीजिएगा, जहाँ पर आपको लगे कि ये सही है वहाँ पर आपने ऐसे गाढ़ा कर लेना है, ठीक है। देन उसके बाद इस तरीके से जो सा आपने ये पैटर्न ड्रॉ किया होगा, इसके ऊपर इसके ऐसे कटिंग कर लेनी है, ठीक हो गया। अगर आप देखें कि आपकी मार्किंग क्रैक नहीं है तो आप कटिंग के टाइम भी इसे ऐसे क्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हम इसके बैठ का दबाव काटेंगे इस तरीके से, जो सा हमारा 1.5 इंच का होगा, ठीक हो गया। फ्रेंड्स ये देखनी है इस तरीके से। ये फ्रेंड्स उसके बाद ये जो हमारा नेक का पैटर्न ने कट के रेडी हो जाएगा, ठीक हो गया। देन उसके बाद ये जो हमारे साइड पे कट डले हुए हैं, जो आपने थंबनेल में देख लिया होगा, हम वो कटिंग करेंगे, जिसकी हमारी लंबाई होगी 3 इंच की, ठीक है, और चौड़ाई 1/2 इंच की, ठीक हो गया। इस तरीके से ऊपर से भी आपने कम से कम 1.5 इंच के ऐसे दबाव छोड़ के सेंटर में इस तरीके से आई की शेप में एक पैटर्न ड्रा कर लेना है, ठीक हो गया। देन उसके बाद हम इसको इस तरीके से ऐसे कटिंग कर लेंगे सेम उसी शेप में जिस शेप में आपने पैटर्न ड्रा किया होगा। देन उसके बाद ये जो से इसके बारे वाला दबाव है वो हम 1.5 इंच का काटेंगे, जितना जितना ऊपर नीचे हमने इस तरीके से गैप छोड़ा था, ठीक हो गया। फ्रेंड्स ये देख लें इस तरीके से। ये देख लें फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से ये हमारा पैटर्न काट के रेडी हो गया। देन उसके बाद जो हमारा नेक पैटर्न था उसे हम सेम शर्ट वाली फैब्रिक के ऊपर इस तरीके से प्रेस के साथ चिपका लेंगे, ठीक हो गया अच्छे तरीके से। देन उसके बाद जो हमारे छोटे पीसेस भी हैं साइड वाले कट हैं, उन्हें भी हम प्रेस के साथ इस तरीके से चिपका लेंगे, ठीक हो गया फ्रेंड्स दोनों को। ये देख लें इस तरीके से। देन उसके बाद हम इसके ऐसे कटिंग कर लेंगे 1/2 इंच के ऐसे दबाव छोड़ के, जो हमारा फालतू कपड़ा होगा उसे हम कटिंग कर लेंगे नेक पैटर्न की भी और जो हमारे साइड के कट हैं उनकी भी, ठीक हो गया। देन उसके बाद ये जो हमने 1/2 इंच का दबाव छोड़ा था उसे ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हम इसके ऊपर 1/2 इंच की ऐसे सिलाई लगा लेंगे, ठीक हो गया फ्रेंड्स ये देख लें इस तरीके से। और जो हमारे साइड के कट हैं उनके ऊपर भी आपने सेम इस तरीके से ये जो हमारा पीस फटा होगा उससे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसके ऊपर भी ऐसे सिलाई लगा लेनी है, ठीक हो गया। देन उसके बाद हम शर्ट लेंगे, ठीक है, और उसके ऊपर इस तरीके से जो हमारा फ्रंट होगा उसके ऊपर गले को इस तरीके से उल्टा रखेंगे, और जो हमारी बुकरम होगी उसके साथ साथ हम ऐसे सिलाई लगा लेंगे, ठीक हो गया फ्रेंड्स। और ये ध्यान में रखिएगा कि सिलाई बिल्कुल आपके बुकरम के साथ साथ आनी चाहिए, ना ही बुकरम से ज़्यादा दूर हो ना ही बुकरम के ऊपर आनी चाहिए, ठीक हो गया फ्रेंड्स। ये देख लें इस तरीके से आपने ऐसे ऑल राउंड सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। देन उसके बाद ये जो हमारा अंदर वाला पीस होगा उसकी हम कटिंग कर लेंगे, उसका भी आपने कम से कम 1/2 इंच कैसे तो बहुत छोड़ते हुए उसकी कटिंग कर लेनी है, ठीक हो गया। और इसके सेंटर में इस तरीके से ऐसे कट लगाना मत भूलिएगा, और इसके साइडों पर से भी, जिससे क्या होगा कि आप जब अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे जो से इसकी फिनिशिंग है वो अच्छी आ जाएगी, इसकी फोल्डिंग में कोई चुनौट वगैरह नहीं आएगी, ठीक हो गया। ये देख लें इस तरीके से आपने इसको ऐसे अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड करना है, और इसके ऊपर अच्छे तरीके से प्रेस लगा लेनी है ताकि ये अच्छे तरीके से बैठ जाए और इसकी फिनिशिंग आ जाए, ठीक हो गया फ्रेंड्स। देन उसके बाद ये जो हमारे साइड वाले कट होंगे इन्हें जो हमारी अंदर वाली बुकरम होगी उतना उतना गैप छोड़ते हुए इस तरीके से रख लेंगे, ऊपर से भी कम से कम 1.5 इंच का हमने गैप छोड़ा है, ठीक है। फोल्डिंग छोड़ के जो हमारी तीरे की सिलाई होगी उसका दबाव छोड़ के 1.5 इंच का गैप रखा है। देन उसके बाद जिसके अंदर ऐसे ऑल राउंड सिलाई लगा लेनी है बिल्कुल बुकरम के साथ ही, ठीक है, दोनों की दोनों तरफ की इस तरीके से सेम इसी तरीके से आपने ऐसे लगा लेनी है, ठीक हो गया। देन उसके बाद जो उनसे इसके अंदर वाला पीस है उसे हम ऐसे कटिंग कर लेंगे, सबसे पहले हम ऐसे स्ट्रेट कटिंग करेंगे, ठीक हो गया फ्रेंड्स ये देख लें। और जो उनसे इसके कोने हैं वहाँ से आप ध्यान से कटिंग करिएगा कि जो उनसे सिलाई लगी हो वो ना आपकी कटनी चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद इसके अंदर भी ऐसे हल्के हल्के कट लगा लेंगे ताकि इसकी फोल्डिंग अच्छे तरीके से हो जाए, ठीक हो गया। देन उसके बाद इसको ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे, ठीक है, मुकम्मल जितनी हमारा दबाव होगा। फोल्ड करने के बाद हम इसके ऊपर अच्छे तरीके से प्रेस लगा लेंगे शावर लगा के, ताकि ये इसकी जो फिनिशिंग है वो अच्छे तरीके से आ जाए, ठीक हो गया फ्रेंड्स ये देख लें। देन उसके बाद इसका कट के ऊपर हम इस तरीके से ऐसे चिकन लेस लगाएंगे,
आपने जो हमारी नीचे वाली साइड होगी वहाँ से आपने इस तरीके से ऐसे चिकन लेस को शुरू करना है, ठीक है। देन उसके बाद ऊपर की तरफ लेके आते हुए आपने ऐसे राउंड ले जाना है, ठीक हो गया फ्रेंड्स। ये देख लें इस तरीके से राउंड लेके जाते हुए हम इसे वापस नीचे की तरफ ले आएंगे जहाँ से हमने शुरू किया था, और उसके ऊपर से ऐसे गुजारते हुए हम इसकी जो सी साइड होगी मीन से जहाँ पे आपकी चेस्ट की सिलाई लगेगी वहाँ तक इसको ऐसे राउंड करते हुए ले जाना है। इससे क्या होगा कि जिनसे जहाँ से हमने शुरू किया था वो वाला जोड़ भी इसका छुप जाएगा, ठीक हो गया फ्रेंड्स। दोनों तरफ से आपने ऐसे लगा लेनी है। देन उसके बाद हम इसकी जो सी नेक होगा उसके ऊपर भी इस तरीके से गले के बिल्कुल ऐसे साथ साथ लगाते हुए हम नीचे ऐसे स्लेट बना लेंगे, ठीक हो गया फ्रेंड्स। इसे चिकन लेस की ये देख लें फ्रेंड्स, नीचे हम कम से कम 10 इंच की ऐसे स्लेट बनाएंगे और नीचे से भी ऐसे ऑल राउंड लेके आते हुए मुकम्मल नेक के ऊपर लगा लेनी है। ये फ्रेंड्स इस तरीके से नेक के ऊपर दोनों जो हमारे कट है उनके ऊपर सेम इसी तरीके से लगाते हुए ये जो हमारा नेक पैटर्न है बन के रेडी हो जाएगा। ये फ्रेंड्स हमारे कटवर्क वाले नेक पैटर्न की फाइनल लुक। सो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।